पौराणिक कथा के अनुसार प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख प्राप्त नहीं था, इसके लिए उन्होंने 18 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत उनके घर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को सावित्री ने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। नारद जी ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन वो अल्पायु है। विवाह के एक साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। ये जानते हुए भी कि उनके होने वाले पति अल्पायु हैं, सावित्री ने कहा, मैं एक भारतीय हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। अंत में सावित्री की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वो अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। सावित्री भी राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में उनके साथ रहने लगी। वो वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पूर्व समय से सावित्री उपवास करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निश्चित था, उस दिन वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगी, तो सावित्री भी उनके साथ वन में गई। सत्यवान जैसे पेड़ पर चढ़ने लगे, वैसे उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। कुछ समय बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो गई। देवी सावित्री ने वटवृक्ष के नीचे अपनी गोद में मृत पति के सिर को रखकर उसे लिटा दिया। उसी समय देवी सावित्री ने देखा कि यमराज यमदूत के साथ सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, सत्यवान से तुम्हारा साथ धरती तक ही था, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ ही रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आने का वर मांगा। यमराज ने वो वरदान दे दिया। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री अभी भी उनके पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने फिर एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर का खोया राजपाट वापस मिलने का वरदान मांगा। यमराज ने वो भी वरदान दे दिया। इसके बाद सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उनसे एक और वरदान मांगने को कहा। देवी सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। अपने वचन से बंधे यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का भी वरदान दे दिया और तथास्तु कहकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। फिर वे वहां से अदृश्य हो गए। सावित्री पुनः उसी वटवृक्ष के पास लौट आई, जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर का खोया राज्य फिर दिलवाया। तभी से सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखने लगी, ताकि उनके पति की लंबी आयु हो, उन्हें भी पुत्र सुख प्राप्ति हो और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। वट सावित्री व्रत के दिन वटवृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। कुंडली टीवी डिस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।